Anyone one of you? No one. Look, I have completed the first round. I am in the second round. Okay. Hold on a second. <coughs> Hello. One second, Mary. Everyone, please hold on the line. I'll call one by one name, and uh, I'll ask a few, few questions and resolve their query, and they can leave the meeting. Everyone, please hold, uh, Please mute yourself. I'll call the name, then you can unmute yourself. Benerji. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Manager. So, uh, Amlan. Okay. Sure, sure. Uh, you should give the exam in uh, Windows 8 or Windows 10 laptop. Uh, Windows 10 laptop. Windows 8 or Windows 10 system. Uh, Windows SPS. 10. Yeah, Windows 8 or Windows 10. Okay, okay, fine. Okay, i am Yeah, thank you. Yeah, you can leave the meeting now. Sure, sure. Thank you. Yeah. Hi guys, welcome to EasyPly. Guys, first of all, due to the company policy I can't reveal all the recording. सो मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया लेकिन आफ्टर रिसीविंग लॉट्स ऑफ डी एम रिक्वेस्ट ई मेल्स सो आई डिसाइडेड टू यू नो कंडक्ट अ इंटरव्यू फॉर सपोर्ट सेशन फॉर अमेजन हेर प्रो सो सम ऑफ यू लाइक सम वेयर अटेंडेड एंड टेल टू द रिक्रूटर ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे माइट फेसिंग फरदर रिजोल्यूशन सो रिक्रूटेड हैज टोल सम यू नो ऑफिशियल सोल्यूशन एंड सम ऑफ अनऑफिशियल सोल्यूशन सो दैट दे कैन यू नो परफॉर्म Amazing high pro interview and for you know assessment, so lots of you know error coming through the assessment and interview. So I'm going to tell you about the solution. Uh, actually, uh, I have द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम सो जितनी भी प्रॉब्लम है आपके उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाई यूजिंग माई फ़ोन बिकॉज कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो आपको समझानी है जो मोबाइल फ़ोन को फॉलो करके आपको उसको रेजोल्यूशन लेना है लाइक like, आपको उसको सोल्यूशन करना है तो पहले मैं बता दूँ ये जो इंटरव्यू सपोर्ट सेशन है ये उन्नीस ऑफ अक्टूबर को था तो कुछ एप्लीकेंट ने अपनी प्रॉब्लम बताए उनको सोल्यूशन मिला दैन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मुझे रिक्वेस्ट और कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं सोचा ये वीडियो बना के आपको बता दूँ एंड जितनी भी प्रॉब्लम आपके हायर प्रो टेस्ट को लेकर के अमेजन इंटरव्यू या असमेंट टेस्ट से वो इसमें कवर हो जाएगी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आप वीडियो को टू एक्स पे स्पीड बढ़ा के देख सकते हो सो so दैट आपकी प्रॉब्लम जहाँ भी आए आप उसका सलूशन कर पाओ एंड अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पा रहा है तो लाइक कुछ प्रॉब्लम ऐसे रह गए हैं जो इस वीडियो में नहीं कवर होंगे हालांकि ऐसा होगा नहीं सारे प्रॉब्लम को मैं कवर करने वाला हूँ फ्रॉम ऑफिशियल एंड कुछ अनऑफिशियल चीज़ें बताऊँगा लाइक वो मतलब आप टेम्प्रेरी सोल्यूशन जो है वो आपको फॉलो करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना आपका अगर सोल्यूशन हो गया है तो तो चलिए बढ़ते हैं मैं आपको दिखा दूँ कि क्या चीज़ आ, मैं जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको दिखाने वाला हूँ सोल्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम की भी मैं आप बात करूँगा और क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग टू द असेसमेंट एंड ड्यूरिंग फॉर यू नो इंटरव्यू तो इंटरव्यू और असेसमेंट दोनों की बात हम करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी जैसे मैं पहले बता दे रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो चलिए बढ़ते हैं आगे हम वो सब चीज़ को लेकर के लाइक लाइक ये रहा तो ये हम आपको दिखा देते हैं बेसिक सा मैंने अपना नेट ऑफ कर दिया है ताकि कोई नोटिफिकेशन ना आए आपको प्रॉपर मैं बता दूँ तो ये हायर प्रो का हेल्प सेंटर से मैंने आपको आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो डॉक्यूमेंट है और जो भी चीज़ें कवर होने वाली मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, तो बेचा का प्रॉब्लम बताना लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप प्रॉब्लम बता रहे हो उस प्रॉब्लम का पॉसिबल हो तो स्क्रीन या फोटो क्लिक करके प्रॉपर मुझे मैसेज करना सो दैट मैं आपको वो चीज़ को एलेबरेट कर पाऊँ समझा पाऊँ तो यही चीज़ का आप ध्यान रखना एंड इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ एक एक दो वीडियो और बताइए वो पी के थ्रू बताइए उसका सोल्यूशन भी वो भी आप देख लेना इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा एंड इस वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूँगा उसको भी प्रोवाइड बस एंड में मिल जाएगी तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक मशीन रिक्वायरमेंट क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है लाइक आपका जो है ओनली यूज़ Uh, जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप डू नॉट यूज़ मोबाइल और टैबलेट आपको मोबाइल और टैबलेट नहीं यूज़ करना है लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ करो इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड एंड इफ यू वांट टू गो इन टू नेक्स्ट राउंड बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है लाइक पहला राउंड तो क्लियर कर लिया और फिर दूसरे राउंड में उनको जीरो जो फोन की एरर आ रही है या फिर वो दूसरा राउंड अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी जो चीज मैं बताने वाला हूँ ठीक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट की बात करें तो विंडो ए टेन एंड मैक ओएस जो भी है तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है ये आपके मेल में आती है ये आपको लगभग लगभग पता होगी लेकिन फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए आपको सब सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा फिर हम एरर्स की बात करेंगे तो थोड़ा आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर जानते हो बट वीडियो पूरा देख लेना आपकी एरर कवर हो जाएगी इसमें वेब कैम और, कैम और कैमरा जो है माइक्रोफोन इज मैनेजेटरी वो ऑन होन होना चाहिए रैम जो है एट और मोर का होना चाहिए मिनिमम एट का रैम हो फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग और आई थ्री प्रोसेस फिफ्थ जनरेशन टू पॉइंट टू की एक की वेलियंट और हायर इससे कम का नहीं होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए अब ब्राउजर की बात करें ओनली गूगल क्रोम वर्जन एट एट वन एंड एब और बीटा वर्जन अलाउड कुछ लोगों को सेफ ब्राउजर के थ्रू भी असेसमेंट देना होता है तो वो तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी सो दैट यू कैन डाउनलोड द सेफ ब्राउजर एंड द कुकीज एंड पॉपअप शुड बी एन द ब्राउजर सेटिंग तो आप ब्राउजर सेटिंग से कुकीज़ और पॉपो को एनेबल कर लेना और इंटरनेट का जो कनेक्शन हो वो स्टेबल स्पीड ऑफ टू एम ई पी एस और उससे ज़्यादा की होनी चाहिए और ये ब्रॉडबैंड आप यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन हाँ मोबाइल इंटरनेट नेट से भी आप यूज़ करते हो ये सिक्स टर्म की रिक्वायरमेंट है इससे कम ज़्यादा थोड़ा चलता है मोस्ट ऑफ़ द एप्लिकेंट यूजिंग मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन से आप कनेक्ट कर सक करके करते हो लेकिन जब भी मोबाइल फोन से कनेक्ट करके असेसमेंट देते हो चाहे ये अमेज़न की बात कर या कोई भी असेसमेंट देते हो तो दैट आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट यूज़ एनी अदर एप्लीकेशन विद मोबाइल लाइक आप अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारा कुछ ऑफ कर दो तो वो आपकी स्पीड अच्छी बरकरार रहेगी बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चलने चाहिए फ़ोन के आप सिम्पली फ़ोन को लॉक करके रख दो सो so दैट आपको स्पीड अच्छी मिल जाए फ्लैक्सीबल एंड फीजबल कनेक्शन आपका बना रहा है वी पी आर नॉट यू नो कैपेबल देयर आर शुड नॉट बनी वी पी एन और प्रॉक्सी कन्फिगर इन द सिस्टम वी पी एन और प्रॉक्सी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यानी और तो और एंटी वायरस भी अलाउड नहीं है तो एंटी वायरस को भी आपको करना होगा तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा लाइक चेक इफ़ योर कंप्यूटर इज कम्पैटिबल यहाँ पे आपको ये लिंक आपको मिल जाती है आपके ई मेल में और उस ई में आपको ये लिंक मिल जाती है आपका सिस्टम कैपेबल है या नहीं तो वहाँ पर आप देख सकते हो कैपेबिलिटी आप चेक कर सकते हो ई मेल में आप ये आपको लिंक uh, मिल जाती है इन शोर दट योर हार्डवेयर इज हार्डवेयर इज सेटअप मेक श्योर दैट योर लैपटॉप डेस्टॉप इज़ कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड यू यानी कि अगर आप यूज़ कर तो बैटरी बैकअप होनी चाहिए कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए सो so दैट आपका जो है एग्ज़ाम रुकेना एंड एग्जाम रुकने इसमें बता दूँ अगर आपकी एग्जाम रुकता भी है तो दोबारा लॉन्च करो वहाँ पे आपको फिर वहीं से स्टार्ट होगा एंड सबसे पहले ये मैं बता दूं अगर आपको किसी भी तरीके का एरर फेस होता है तो बिफोर गोइंग फॉर एनी सोल्यूशन जस्ट यू you नो know, अगर सिस्टम भी हैंग हो रहा है या फिर कुछ भी है आप उस टेस्ट को री लॉन्च करो उस लिंक पे दोबारा क्लिक करो अपनी जो आई डी पासवर्ड उसको एंटर करने के बाद दोबारा लॉन्च करो अब पॉसिबली लाइक फिफ्टी परसेंट चांसेस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वहीं से और कुछ लोगों को ऐसा आता है कि फिर भी वो काम नहीं करता उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट रोल एक रोल के लिए मल्टीपल अपलीकेशन नहीं सबमिट हो सकते क्योंकि पैन कार्ड मैंडेटरी है तो वो पैन कार्ड के डिटेल्स को फैच करता है दैट सो दैट आपको वो नहीं अप्रूव करेगा फॉर अपलाइंग एन अदर अप्लीकेशन फॉर सिंगल रूल तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मैं बता दूँ लाइक आपका जो है स्क्रीन शेवर ऑफ होना चाहिए लाइक कुछ लोग अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे स्क्रीन शेवर वगैरह रखते हैं तो वो ऑफ होना चाहिए और आपके एंटी वायरस डिसेबल हो एंड कम्युनिकेशन के जितने भी ऐप्स हैं वो डिसेबल हो लाइक अगर आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह वो तो आप बंद कर दो कुछ देर के लिए जब तक आप टेस्ट दे रहे हो एंड जब भी आप टेस्ट दे रहे हो मेकश्योर दैट sure आपका जो है आप हमेशा कैमरे में देखते रहो अपनी नीचे तो देखोगे इधर उधर देखोगे आप उस पर वार्निंग आ जाती है अगर आपके पास तीन से ज्यादा वार्निंग आती है तो आप डिस्कवालीफाइड हो जाती टेस्ट बंद नहीं होता लाइक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देन देना है और मैं आपको गाइड करता रहूँगा लाइक अभी आते हैं कुछ पॉसिबल एरर लाइक कुछ जो इशू है कॉमन इशूज फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको ये सब चीज़ें ध्यान में देनी है यू कैन हैव मल्टीपल लॉगिंग एंड लॉग आउट बट यू नीड टू फिनिश इंटायर प्रोसेस मॉड्यूल विद इन द गिवन टाइम फ्रेम एज पर योर इन्विटेशन मेल एवरी टाइम यू लॉग इन बैक मेक्स श्योर योर प्रोटरिंग सर्विस है जो आप अगर लॉग इन नहीं कर पाते हो तो लाइक आप अपना पैन कार्ड और मेल आई डी के थ्रू लॉग इन करो ऐसा आपको देखना हो लाइक इंश्योर कर लो एंड प्लीज इंश्योर प्लीज़ यूज़ द लेटेस्ट लिंक रिसीव्ड इन मेल यानी कि मैं बता रहा हूँ ना अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती दो चीज़ें आप एकदम से करना लाइक like आप लिंक पे क्लिक करके दोबारा से लॉन्च करना फिर भी नहीं हो रहा है तो दूसरा लिंक मंगा लेना लाइक like दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करना पॉसिबल है तो दूसरे लिंक से ओपन करना एंड प्लीज़ रिसेट द पासवर्ड पासवर्ड रिसेट कर लो तो ये क्योंकि आ, बहुत छोटा डिफरेंस रहता है बिटवीन अददर यू नो एप्लीकेशन अगर आप दो एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उनके बीच में मैं बता रहा हूँ तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है अगर आपके पास ऐसा कुछ एरर आता है नॉट एबल टू स्टार्ट द प्रो सर्विस तो आपको फॉलो करना ये स्टेप लाइक प्लीज़ परफॉर्म द विलो स्टेप इन लाइन विद सिस्टम कन्फिगेन एंड कंपेटिबिलिटी डिसेबल रिमूव इंस्टॉल एंटीवायरस डिसेबल कर लो अनस्टॉल और फिर रिमूव करने की बजाय डिसेबल कर लो आप डिसेबल कर सकते हो बड़े आसानी से विंडो डिफेंडर फायर आपको डिसेबल करना है ब्राउजर uh, के जो कैश हैं वो क्लियर करनी है क्लियर द ब्राउजर लोकेशन लोकल स्टोरेज जितनी भी है वो आपको क्लियर करनी है एंड टैंप फोल्डर जो है आपको वो क्लियर करनी है

तो आई सजेस्ट यू टू परफॉर्म द असेसमेंट इन द इनकॉगनीटो मोड तो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है एंड चेक द होस्ट फाइल जो सी uh, ड्राइव uh, में विंडोज थर्टी फोर ड्राइव डी सी सिस्टम रिस्टार्ट आफ्टर द ऑल द प्रोसेस अगर ऐसा भी आ रहा है सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद आप फॉलो कर सकते हो एंड लाइक आई एम नॉट एबल टू गेट द इमेज बॉक्स कैप्चर द फोटो आई डी यानी अगर आपके पास फोटो आई डी में इमेज पर कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको अपना इन बिल्ड कैमरा का रेजोलेशन चेक करना है uh, जो कि uh, आपको ऑन होना चाहिए एंड ये आपको जो यहाँ पे लिंक दी हुई है जो एड्रेस है वहाँ पे आपको चेक करना है मिनिमम जो है रेजोल्यूशन है वो सिक्स हंड्रेड फोर्टी से लेकर फोर हंड्रेड एट्टी का रेशियो है ये आपकी रेजोल्यूशन है यूजिंग द एक एक्सटर्नल कैमरा बाय डिसेबलिंग द इनबिल्ट कैमरा एंड मेकिंग द एक्सटर्नल कैमरा एज डिफॉल्ट यानी अगर आप कोई आप अनदर कैमरा एक्सटर्नल कैमरा यूज़ करते हो तो आपको इसको डिफॉल्ट करना होगा जो सेकेंडरी uh, आप यूज़ करते हो तो ये ये चीज़ आपको ध्यान देनी है लाइक माई सेशन रनिंग बट विदाउट प्रॉक्टरिंग तो आपको कॉन्टैक्ट करना है सपोर्ट को एंड uh, अगर आपको रिलोड करना है ब्राउजर को कंट्रोल सिस्ट आर टूगेदर

एक चीज़ और यहाँ पे अगर आपको प्रोफाइल वाइज भी आप इसमें अप्लीकेशन होते हैं अगर आप लोकेशन और प्रोफाइल वाइज नहीं पा सक रहे हो जॉब तो आ, मैं आपको रेगुलरली जॉब अपडेट देता रहूँगा जॉब अपडेट दैट इंक्लूड एनी बैकग्राउंड ऑफ योर कॉलेज या फिर बात करें कोई किसी क्वालिफिकेशन किसी भी कॉलेज की बात करें पासिंग ईयर या एक्सपीरियंस फ्रेशर सबकी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सो इफ इफ यू हैवन सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना इजी को गेट रेगुलर अपडेट अबाउट एनी जॉब अपनी एनी ऑफ कैंपस सारी सारे तरीके के जॉब मिलेंगे वर्क फ्रॉम होम फ्री ऑल द थिंग्स आर यू विल गेट शेयर पढ़ते अगली जो Error a problem like I get an error uh, saying my camera and microphone not available. Close uh, so the solution is close all application or other types in the browser accessing the camera and microphone and re uh, reload the browser. Uh, to reload the browser, you have to press the control shift R together. Allow apps to access your camera should be on. Allow apps to access your microphone should be on. Voice recorder also should be on. Please check the camera default app is working in the system. Test the scene on. यू नो द वेबकास्टमेंट एंड द माइक्रो सो आप माइक्रो फोन और वेब कैमरा का ये टेस्ट कर सकते हो वर्किंग फाइन नॉट द नेक्स्ट यू नो एज प्रोटरिंग स्टॉप एंड माई सेसन क्योर इज नॉट कंप्लीटेड सो मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स विद इन द किव इन टाइम लाइन एंड ड्यूरेशन लाइक जो टाइम लाइन एंड ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम लाइन ड्यूरेशन जो है फोर्टी एट आवर्स का होता है जब से आप रिसीव करते हो हालांकि वो लिंक तब भी कम करती है आफ्टर द फोर्टी एट आवर्स बट यू हैव टू कंप्लीट द टास्क कंप्लीट द असेसमेंट बिफोर एंडिंग द यू नो फोर्टी एट आवर्स टाइम लाइन से पहले ही आपको उसको एंड करना है टेस्ट को सबमिट करना है लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एर दैट इज प्ले बटन इज नॉट देयर इन द वीडियो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज चेक इफ यूर लॉ आर लॉग इन इन द मल्टीपल ब्राउजर वेब पेज तो जितने भी आपको वहाँ पे क्लोज करना है अदर एंड क्विज इज नॉट स्टार्टिंग और नथिंग हैपन आफ्टर क्लिकिंग स्टार्ट क्विज तो क्विच जो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता लाइक इसमें भी नहीं होती लेकिन आप इसका जो है आप ये देख सकते हो कंसोल कंस्रोल ब्राउज़र पेज एंड एक एक्जिक्यूट बिलो कमांड वेर स्टार्ट क्विज बटन ये चीज़ का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो ये आपको यहाँ पे ये कमांड रन करनी है सो दैट आपका सोल्यूशन हो जाएगा एंड डिवाइस नॉट कम्पैटल का जब एरर आ रहा है तो जो आप अगर मोबाइल और टैबलेट यूज़ कर करें तो उससे ये चीज़ आती है प्लीज मैं कि आपका जो टेस्ट फ्रॉम जो टेस्ट ले रहे हो आप लैपटॉप और डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप से टेस्ट हो एंड एक्सीडेंटली ब्लॉक एक्सेस माइक कैमरा एंड माइक्रोफोन यानी कि कभी कभी होता है लाइक जब भी आप लॉन्च करते हो लाइक आपको एक पॉपअप मैसेज आता है ब्राउजर पर टू अलाउ द कैमरा एंड माइक्रोफोन इफ यू हैव ब्लॉक दैट एक्सीडेंटली गलती हिसाब से ब्लॉक हो गया सो दैट वट कैन यू डू यू हैव टू गो ऑन द क्रोम ब्राउजर सेटिंग एडवांस एंड देन सेटिंग फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी साइड सेटिंग वहां पर आपको जानना है दैन कन डी अलाउ एक्स टू यूज कैमरा एंड माइक्रोफोन इन योर सिस्टम एज वेल एज इन योर ब्राउजर सेटिंग एनश्योर पॉपअप आर अनलॉकड एंड ब्राउजर कुकीज़ आर इनेबल इन श्योर द कैमरा माइक इज नॉट ऑफ म्यूटेड इन योर सिस्टम एनश्योर द कैमरा माइक इज नॉट डिसेबल इन योर ब्राउजर इन श्योर द वाल्यूम इज मार्ड एट द हाइस्ट लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की है यहाँ आपको साइड सेटिंग पे जाना है तो वहाँ से आपको ये चीज़ें करनी है आपको अगर कैमरा और माइक डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप रीनेबल कर सकते हो उसी तरीके से और इसमें आपको सिंपल सा एंटीवायरस आपको नहीं रखना है मैं बार बार कह रहा हूँ एंटीवायरस डिसेबल करना है जो सिस्टम फायर आपको डिसेबल करना है विंडो डिफेंडर डिसेबल करना है सिस्टम को रिस्टार्ट करना है देन यू कैन स्टार्ट द टेस्ट आप दोबारा से लॉन्च कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कुछ एरर आ रहा है लाइक सेंग की टू स्लो टू मेनी ऐप रनिंग द सिस्टम आपको सिंपल सा uh, आपको जाना है टास्क मैनेजर में कंट्रोल डिलीट एंड प्लीज को आस आपको डिलीट करना है सारे एप्लीकेशन है उसके बाद रिस्टार्ट करके फिर से आप कर सकते हो एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो लाइक like, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको इसका जो है डॉक्यूमेंट की लिंक आपको मिल जाएगी uh, अब जैसे जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है जो भी एरर आ रही है आप उसको फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो आई गेट एन एरर सेंग योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ टू स्लो तो यहाँ पे आपको क्या करना है लाइक यू माइट नॉट हैव द अप्रोप्रिएट पैन विद एलोकेशन जैसे मैंने बताया फोन का जब आप कनेक्ट करते हो तो जब जितने भी बैकग्राउंड के वो एप्स हैं आपको क्लोज़ करना है कोई भी बैकग्राउंड में एप्स न वर्क कर रहे हो ब्राउजर आपका कंपेटेबल नहीं है तो उसको थोड़ा अपडेट कर लेना और फिर उसको अपडेट करने के बाद जैसे मोजिला जो है मोजिला फायरफॉक्स एकदम से सपोर्टेबल नहीं है तो मेक श्योर sure कि आप आ, जो कि क्रोम पे आप काम कर रहे हो क्रोम पे आप आ, ये सो असेसमेंट दो एंड इनकॉग्नीटो मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इनकॉग्नीटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल राइटिंग द असेसमेंट ऑफ अमेजन हायर प्रो तो अगर आप गलती से सारे ब्राउजर अपने क्लोज कर लिए तब आपको करना है लाइक डू नॉट क्लिक ऑन द कंप्लीट सबमिट बटन इन एनी अदर विंडो ओपन इन योर सिस्टम क्लिक ऑन द लिंक अगेन एंड री एंड क्रेडियंस एन एंड कंटिन्यू विद द प्रोसेस यानी गलती से आपका जब ब्राउज़र ब्राउजर क्लोज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे आपको दोबारा से कितनी बार भी आप टेस्ट को लॉन्च करते हो जब तक आपने सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया है तो जब जो भी होता है वो वहाँ से जैसे सिस्टम हैंग हो गया पावर फेलियर है कुछ किसी प्रकार का सिंपल सा सिस्टम रिस्टार्ट करो रिलॉन्च करो क्रीडेंशियल डालने के बाद आ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक जो आपको एंटीवायरस रिमूव करना है या फिर डिसेबल करना है वहाँ क्या करना है वो चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो ब्राउजर एक्सटेंशन रिमूव करना है वो चीज़ें जैसे यहाँ दिख रही है ये स्टेप्स आप फॉलो कर लो स्क्रीन शॉट लो या आप फोन से वीडियो देख रहे हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक वीडियो को पॉज करके ये स्टेप्स फॉलो करो एंड देन ये चीज़ें करने के बाद लॉन्च करो तब आपका एकदम फिजबल फ्लेक्सीबल आपके टेस्ट दे पाओगे एंड हाँ और मैं बात कर दूँ इन आ, एरर्स को लेकर के अभी बात बात काफ़ी आगे बढ़ गई है आप बात करते हैं इंटरव्यू की जो इंटरव्यूअर जो है आ, नहीं आता है तो उन उस केस में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वो आपको फॉलो करना है टाइम पे आपका मीटिंग होती है इंटरव्यू होता है मैंने जो अभी रिकॉर्डिंग दिखाई है स्टार्टिंग में वो भी चाइन की है सो आई सजेस्ट यू गाइज कि आप जो मीटिंग ज्वाइन करते हो जो भी आपको इंटरव्यू की मेल आती है उसमें प्रॉपर एक प्रोफेशनल टाइप का मेल राइट करो दैट यू आर रेडी फॉर दिस एंड यू विल भी ज्वाइनिंग बिफोर द ट्वेंटी मिनट ऑफ द किविन टाइम एंड यू विल बी वेटिंग यू नो फॉर आफ्टर ट्वेंटी मिनट आफ्टर ट्वेंटी मिनट ऑफ द गिवन टाइम यानी कि आप बीस मिनट पहले और बीस मिनट बाद जो कि इसका इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना है वो चीज आपको रिटर्न में देनी है एंड यू हैव टू आस्क दैट मेसर यू हैव टू द रिक्रूटर टू द इंटरव्यू मेसर द योर शुड ज्वाइन आर इंटरव्यू स्टेशन ये आप लिख करके थैंक्स एंड रिगार्ड योर नेम ये ड्रॉप कर देना सो दैट दे कैन एक्नोलेज योर रिस्पॉन्स कि आप इतना वो uh, आप वहाँ वेट करोगे लाइक दे कम एंड ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप रिस्कड्यूल कर सकते हो इंटरव्यू को फॉलोइंग दैट यू नो प्रोसेस जो मैंने उस वीडियो में बताया तो वो भी आपको हेल्प करेगा अगर वो आप ये टेस्ट ही दे रहे हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो क्योंकि अभी आपको इंटरव्यू से गुजरना है तो इंटरव्यू में ऐसी प्रॉब्लम आती है अगर इंटरव्यू के प्लान में चेंज होता है या इफ़ इंटरव्यू आर नॉट अवेलेबल तो ये चीज़ें होती हैं तो ये आप देख सकते हो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है लेकिन रिस्कड्यूल हो जाती है आप दो से तीन बार मेल करना लेकिन गिवन टाइम गैप यानी कि कुछ एक आठ हफ्ते के टाइम गैप पर मेल करना यानी ये नहीं कि आज रिस्पॉन्स नहीं आया कल ही मेल कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होता है लाइक अब स्पैम हो जाएगा तो वो मेल स्पैम में जाएंगे मेक श्योर की प्रोफेशनल और अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करो आप इंग्लिश के सो दैट वो आपका जो इनबॉक्स में जाए उनके वो सिंपल से मेल पे जाए वो स्पैम में ना जाए तो ये चीज़ पर आप फॉलो करना है आप कैमरा और माइक्रोफोन इनेबल कर सकते हो विंडो आइकन प्रेस करके गो सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाकर क्लिक ऑन कैमरा ऑन द लेफ्ट साइड पैनल अलाउ एप्स टू एक्सेस योर शुड भी ऑन यानी कि ऐप्स को अलाउ करने के लिए कैमरा का ये हो चेकिंग योर ब्राउजर क्रोम वर्जन ये रहा आप ब्राउजर का क्रोम वर्जन ऐसे चेक कर सकते हो हेल्प सेंटर पर जाना है एंड देन अबाउट गूगल पे जाकर आप वर्जन चेक कर सकते हो क्लियरिंग द ब्राउजर कैश हाउ यू कैन क्लियर द ब्राउजर कैश ये है थ्री uh, डॉट पे क्लिक करना है राइट साइड लाइक जिसे मैं दिखा दूँगी यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा फोन के भी और डेस्कटॉप के भी लैपटॉप के भी तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको uh, यहाँ पे सेटिंग uh, पे जाना है टाइप कैश इन द सर्च सेटिंग सर्च बॉक्स सेलेक्ट क्लियर डेटा टाइप करके भी आप कर सकते हो आ, लोकल स्टोरेज जो क्लियर करना है आपको यहाँ पे ऐसे आप कंसोल पे भी क्लियर आ, क्लियर कर सकते हो क्लियर टैम्प फाइल आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना विंडो की प्लस आर तो आ, पर, पर टाइप टैम्प पर पर्सन टाइल टैम टाइप करोगे जितनी पर भी एंटर करने के बाद जितनी फाइलें होंगी आपके एक्सप्लोर पर ओपन हो जाएंगी एक, तो मीडिया एक्सप्लोर पर तो वहाँ पर से आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल से डिलीट करके आप उसको डिलीट कर सकते हो तो ये चीज़ें आप रेगुलरली किया करो जब भी आप इससे सिस्टम स्लो नहीं होता ये जो चीज़ें हैं लाइक यहाँ से मैं बता दूँ कि कैश क्लियर करना लोकल स्टोरेज टैम फाइल एंड जो प्रॉक्सी है इसको डिसेबल करना जब भी प्रॉक्सी आप यूज़ भी करते हो तो उसको डिसेबल भी कर दो ये सारी चीज़ें रेगुलरली करनी चाहिए आपका इससे क्या होता है कि इससे सिस्टम आपका स्पीड बनी रहती है टाइम जोन आपका एकदम सही होना चाहिए टाइम और डेट एकदम सही होनी चाहिए ये आपको ध्यान में रखनी है और इतनी चीज़ें आपको फॉलो करनी है तो हाँ आई गेस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है एंड आई गेस कि आपको यहाँ पे मिल गई है जीरो जॉट जो फोन या और चीज़ों की आपको दो वीडियोस और मिल जाएंगी वहाँ पे आप देख सकते हो एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी कंसर्न यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट विद द स्क्रीन मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आप गए करो रिक्वेस्ट में स्क्रीन प्लीज़ दे दिया करो स्क्रीन दो तीन स्क्रीन जो भी है वो दे दिया करो डैशबोर्ड की जो भी ए है उसकी सो दैट आई कैन हेल्प यू प्रॉपरली सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अंडरस्टैंड द प्रोसेस अब यह सब चीजें फॉलो करना एंड बेस्ट अप लग फॉर योर करियर एंड फॉर फ्यूचर इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू आई एम हेल्पिंग यू सो आई यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स दे कैन ऑल्सो गेट सम हेल्प सो वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कर देना सब्सक्राइब कर दो अगर आप नहीं तो गुड लक एंड मिलते हैं जल्दी अपनी वीडियो माई